केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर रेलवे की करीब 14 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया, तो वहीं गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज और एक्सीलेटर का भी शुभारंभ किया, जिससे फुट ओवर ब्रिज पर चढ़ने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा कई सालों से निलंबित पड़ा मेवात में रेल लाइन का मामला अब थम गया है, अब जल्द ही मेवात वासियों को रेल की सीटी सुनाई देगी। दिल्ली से सोहना, नू, फिरोजपुर और अलवर इसको रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। आने वाले 3 से 4 साल में रेल लाइन बिछ जाएगी। आज के दिन जो आज के बजट के अंदर हरियाणा को मिला है, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा को मिला है, उसका जिक्र मैंने अपने भाषण के अंदर किया है। आज यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ कि फुट ओवरब्रिज और एस्केलेटर, जो भारत के अंदर सबसे ऊंचा एस्केलेटर बनेगा, उसका उद्घाटन के ऊपर यहाँ पर मैं करने के लिए आया हूँ। तो ये सुविधा ऑलरेडी मिली हुई है। साथ साथ आज नींव रखी गई है जटौली के अंदर, जो क्रॉसिंग थी उसके ऊपर बहुत हादसे होते थे, कई लोग मर भी गए हैं उसके अंदर, तो वहाँ पर अंडरपास बनाने की जो योजना है उसकी शुरुआत आज से हुई है। तो रेलवे की तरफ से जो काम पिछले दिनों के अंदर किए गए हैं उसका जिक्र किया है और सराहना करी है। मेवात वासियों के लिए जो कई सालों से एक रेल की पटरी चाह रहे थे, जिसका जिक्र पिछले बजट के अंदर किया गया था कि हम दिल्ली, सोना, नू, फिरोजपुर, जिरका और अलवर और उधर को पलवल, इसको रेल लाइन से जोड़ेंगे, उसका हेड इस बजट के अंदर खुल गया है। तो हमारे को उम्मीद है कि आने वाले 2-4 सालों के अंदर इसके ऊपर रेलवे लाइन भी बिछ जाएगी। बता दें कि इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने पटौदी के जाटोली फाटक संख्या 46 पर बनने वाले अंडरपास के निर्माण का शिलान्यास भी किया, जो करीब 3.25 करोड़ की लागत से तैयार होगा और अंडरपास के बनने के बाद यात्रियों को सुविधा का लाभ मिल सकेगा। गुरुग्राम से आकाश खुराना की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।